मारवाड़ी समुदाय का प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर शुरू हो चुका है। घर घर गणगौर के गीत बजने लगे हैं। महिलाएं सुबह से गणगौर की पूजा कर रही है और घरों में गणगौर माता के गीत भी सुनने के लिए मिल रहे हैं। गणगौर पूज रही आयुषी अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी समुदाय का यह प्रसिद्ध पर्व होलिका दहन के दूसरे दिन से शुरू होकर चैत्र नवरात्र की तृतीया के दिन सम्पन्न होता है। इस तरह से यह पूरा 16 दिवसीय पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन की राख से महिलाएं पिंड बनाकर पूजा करती हैं। फिर 7 दिन के बाद बासेड़ा यानी कि शीतला अष्टमी को लकड़ी अथवा मिट्टी के बने ईसर और गोरा यानी कि शिव और पार्वती को गणगौर के रूप में घर लाया जाता है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। आज ये गणगौर में आज बाना निकाल रहे हैं सभी कुंवारी लड़कियां और सारी स्कूल लड़कियां, क्या है मतलब क्यों निकाल? मैं आयुषी अग्रवाल ब्यावली गणगौर पूछते हैं। आयुषी अग्रवाल, पलक सोनी और सिमरन सेन हम साथ में ब्यावली गणगौर पूछ रहे हैं। तो इसमें 16 दिन की गणगौर माता पूछते हैं। पहले जिस दिन होलिका जलती है उस दिन हम लोग माता जी की मिट्टी लेके आते हैं, राख लेके आते हैं, उससे हम 16 माता जी बनाते हैं। बासोड़े के रोज बच्चे जैसे ब्यावली लड़की है और उनकी 16 पिंडी बनती है, उनको फट्टे पे सजाते हैं और ब्यावली लड़कियां सब गणगौर पूछती है। ये इनके सुहाग का प्रतीक है। 16 बिंदी काजल, टिक्की, मेहंदी और रोली से करते हैं और उसके बाद फिर बासोड़े से 16 दिन पूछते हैं और गणगौर माता कुमार जी के यहाँ से लाते हैं। फिर ब्यावलियाँ गोट देती है लड़कियों को, बैंड बाजे से दूल्हा दुल्हन निकालते हैं, बिछोड़े निकालते हैं और सारी कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर मिले इसलिए सब कुंवारी लड़कियाँ हमारे साथ गणगौर पूछती हैं। अच्छा, आपकी अभी शादी होने पर आप गुलमन कैसा लग रहा है? गुलमन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पहली बार इतना मजा आया है अपनी जिंदगी में क्योंकि मैं दूल्हा बन रही हूँ। हर जगह हमारा स्वागत किया जा रहा है और हर जगह हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है, पहली बार इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। शादी के पहले दुल्हन बन गए। अब बोलिए। पहली बार मैंने भिकनगांव में गणगौर पूछी। सप्तमी के दिन से हम लोग शाम को रोज एक दूसरे लड़के के घर जाके नाश्ता करते हैं। सब लोग बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता करवाते हैं और सभी बहुत अच्छा अच्छा लगता है। 16 दिन दो सेकंड। ये जो दुल्हन बनी है वो मेरी बेटी है और ये मेरी कजिन डॉल दूल्हा बनी है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, 11 साल की बेटी मेरी आज दुल्हन बन गई है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इन दोनों को ऐसा देखते हुए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।